मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले के नौरोजाबाद एवं चंदिया थाना क्षेत्र के दो बड़े मामले सामने आए हैं, जहां नौरोजाबाद घुलघुली निवासी ध्रुव अली बेगा नामक आदिवासी महिला किन्हीं अज्ञात कारणों से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया एवं 108 एम्बुलेंस की सहायता से गंभीर अवस्था में आदिवासी महिला को जिला अस्पताल लाया गया और उपचार जारी है। वहीं दूसरा मामला चंदिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा से आया है, जहां देवरा निवासी गंगाराम यादव नामक युवक को पेट दर्द के कारण उसके परिजनों द्वारा चंदिया अस्पताल उपचार के लिए लाया गया एवं हालत गंभीर होने के कारण उपचार के लिए उमरिया जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया एवं जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टरों ने उसका उपचार किया, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुनते ही उसके परिजन रोते हुए दुख से बिलाप करने लगे। वहीं ड्यूटी डॉक्टर रुहेला ने बताया कि मरीज को उसके परिजनों के द्वारा गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया एवं उपचार के काफी प्रयास किए गए, लेकिन गंगाराम यादव को नहीं बचाया जा सका और हालात गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि जिले में आए दिन लोगों की मौतें हो रही, जिसके चलते जिले वासियों में दुख माहौल व्याप्त है एवं लोगों से अपील की जाती है कि किसी भी मरीज को समय पर उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाएं, जहां लोगों की जान बचाई जा सके। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। ग्राम देवरा अंतर्गत जिस व्यक्ति को जिला अस्पताल उमरिया लाया गया, वो पेट दर्द से पीड़ित था और आने पर उसका इलाज प्रारम्भ हुआ, किन्तु वो मृत्यु के काल पे समा गया। और ये कहीं ना कहीं इलाज की लापरवाही हो सकती है या घर के लोगों को ये समय पे नहीं ला सके। इसी प्रकार से गुलगुले में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की, उसका इलाज जिला चिकित्सालय में। बड़े पापा जी हैं और उनके पेट दर्द के कारण से मृत्यु हो चुकी है। कल रात में आए थे हॉस्पिटल, रेफर चंदिया से रेफर उमरिया कर दिए और सुबह एक चलते कटनी रोड पे एक दोहरा गांव है, वहाँ पे एक आदमी की जो पेट दर्द हुआ ज्यादा और उसको प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल पाई, चंदिया में भी नहीं मिल पाई और गाँव आस पास जो एससी वहाँ नहीं मिल पाई, जिससे उसको मरिया लाते समय खत्म हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे एक नौरोजाबाद क्षेत्र अंतर्गत भी एक महिला जो है वो भी इसी प्रकार से चिकित्सीय अभाव के कारण परेशान है। हमारा ये कहना है कि जो उमरिया जिला में जो जिला चिकित्सालय CMOH और CS है, इन लोगों की बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हैं और ये लोग ध्यान नहीं देते किसी काम के लिए और लोगों की दवाइयों के अभाव में मृत्यु हो जाती है, परेशान हो जाते हैं और उमरिया जिला अस्पताल रेफर अस्पताल बन गया। इसलिए कलेक्टर बहुत अच्छा आग्रह करते हैं थोड़ा इस विषय में गंभीरता से सोचें और इस प्रकार की जो छोटे स्तरों पर जो घटनाएँ घट रही हैं, बहुत कम चिकित्सा न मिल पाने के कारण। मैं घुलघुली का रहने वाला हूँ, ये मेरी पत्नी है, कुछ खा लिया है, ये कर रहा था कोई जो है लीला पदार्थ खा लिया, इलाज कराने ठीक है। नाम ध्रुव अली भाई बैगा है, मेरा नाम राजीव बैगा है, हम घुलघुली का रहने। ये गंगाराम यादव नाम का एक आदमी था पेशेंट, कल रात में करीब 2:30 बजे भर्ती हुआ था यहाँ पर, तो एडमिट कर दिया था, इसी गंभीरता के बारे में बता दिया गया था इसको। पर जब सुबह हमने भी देखा, फिर इसको दो बार समझाया कि बाहर जाओ, तो वो उसकी पत्नी और बच्चे तो सर कहीं जाएंगे नहीं हम, जो भी होगा। और तो उसका पेट में स्वेलिंग थी और पाँव में भी फफोले थे, पुरानी तकलीफ रही है, तो लीवर किडनी फेल्यूर हार्ट की कोई समस्या रही होगी। अब ये आए इस कंडीशन में तो बहुत ज्यादा गंभीर थी उसकी हालत, उसके बावजूद भी नहीं यह समझाने के, तो वो सुबह एक्सपायर सर। ये हॉस्पिटल में एक बच्चा पाया गया है, सिंधर ने बताया कल रविवार को एक किसी अज्ञात महिला द्वारा